क्लास ट्वेल्थ चैप्टर टू थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आज हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी इसके पहले हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था टाइप्स टू यूटिलिटी टू टाइप्स की होती है मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी और उसके साथ हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी किस रिलेशनशिप किसके थ्रू एक कर्व के थ्रू समझेंगे हम और एक टेबल के थ्रू तो पहला है टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी हिंदी में हम कहते हैं कुल उपयोगिता और शॉर्ट फॉर्म टी यू बट टोटल यूटिलिटी विम इन द सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज रिसिव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी कंज्यूम इट मेजर द टोटल सेटिसफेक्शन ऑपरेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स टोटल नाम से सजेस्ट हो रहा है टोटल मतलब होता है कुल टोटल यूटिलिटी वो होती हैं जितनी भी हमने क्या किए है कॉमोडिटी कि की यूनिट को कंज्यूम किया है उनका जो सम होता है उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी मेयर्स अकॉर्डिंग टू मेयर्स मेयर्स के अकॉर्डिंग टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है टोटल यूटिलिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सेटिसफेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन और पोजुशन ऑफ अ गुड जो टोटल यूटिलिटी वो होती है जब हमारे पास क्या है हमने किसी वस्तु का क्या किया है वो बुक किया है और उससे हमें क्या मिला है सेटिसफेक्शन मिला है तो वो हो जाती है टोटल यूटिलिटी सपोज एक व्यक्ति ने क्या है, क्या है एक पर्सन ने 45 फाइव यूनिट्स कंज्यूम किए देन उसके बाद में फ़ाइव यूनिट और कंज्यूम कर ली देन उसके बाद टेन यूनिट और कंज्यूम कर ली तो टोटल कितना हो गया फोटी फाइव फाइव और टेन सिक्सटी हो गया जो सिक्सटी निकला है सबका जो टोटल हो गया ए बी सी फोर्टी फाइव फाइव और टेन यूनिट का जो टोटल हो गया वो हो गया सिक्सटी जो हो गया वो हो गया टोटल यूटिलिटी मतलब तीनों चीज़ें उसने क्या की है कंज्यूम की ए बी सी तीनों का टोटल वो जाता है टोटल यूटिलिटी अब हम टोटल यूटिलिटी को एक शेड्यूल के थ्रू समझेंगे शेड्यूल में दे रखा है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों कैसे निकाली जाती है ऑपरेंट की जाती है इस टेबल में और इस शेड्यूल को अगर हम देखेंगे तो इसमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों शो हो रही है फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स ऑफ एप्पल है सेकेंड कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी है यूटिल्स में और थर्ड कॉलम में टोटल यूटिलिटी है तो हम पहला देखेंगे यूनिट जीरो तो वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी भी जीरो है और टोटल यूटिलिटी भी जीरो है एप्पल्स की यूनिट कितनी हो गई वन हो गई मार्जिनल यूटिलिटी ट्वेंटी और टोटल भी क्या है ट्वेंटी है सेकेंड यूनिट एप्पल की है उसमें मार्जिन यूटिलिटी कितनी है फिफ्टीन है और टोटल कितनी हो गई थर्टी फाइव यहाँ पर हम देखेंगे ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन हो गया थर्टी फाइव था अब हम थर्ड यूनिट ऑफ एप्पल देखेंगे तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है टेन हो गई और टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई फोर्टी फाइव हो गई मतलब ट्वेंटी फिफ्टीन और टेन फोर्टी फाइव टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई फोर्टी फाइव हो गई ऐसे फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें और कंज्यूम किया फ़ोर एप्पल तो उस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई फाइव हो गई और उस कंडीशन में अगर हम देखें टोटल यूटिलिटी तो इनका सम होगा फिफ्टी तो टोटल यूटिलिटी वो हो गई जो जितना भी इंक्रीज़ हो रहा है जितना भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका क्या आ रहा है टोटल हो रहा है जिसे हम प्लस कर देते हैं ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है टोटल अब मार्जिनल यूटिलिटी हम देखेंगे तो जो सबसे ऊपर वाली थी हमारी ट्वेंटी ये क्या है पॉजिटिव है कौन सी है ये पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी ट्वेंटी फिफ्टीन टेन फाइव मतलब ज़ीरो से ऊपर जो आती है माइनस में नहीं आती जीरो से ऊपर आती तो ये हो जाती है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी इसके बाद फिफ्थ यूनिट ऑफ एप्पल्स पे अगर हम देखें तो ज़ीरो आ जाती है मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई वहाँ पर ज़ीरो हो गई और टोटल यूटिलिटी क्या है उस टाइम पर कॉन्स्टेंट रहेगी अब हम देखेंगे सिक्स यूनिट ऑफ एप्पल इस कंडीशन में जो मार्जिन यूटिलिटी है वो हो गई नेगेटिव माइनस फाइव पर हो गई और टोटल यूटिलिटी क्या हो गई माइनस करेंगे तो फोर्टी फाइव हो गई डिक्रीज हो गई वो और ऐसे मार्जिनलिटी सेवन पर कितनी हो जाती है माइनस टेन हो जा हो जाती है और उधर कितनी हो जाएगी ये माइनस होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगी तो मार्जिनल यूटिलिटी हम पहले देखेंगे सेकेंड बॉक्स में तो पॉजिटिव थी जीरो के ऊपर जीरो आ गया तो जीरो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई और नेगेटिव में आ गई माइनस में आ गई उस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी हमारी रहेगी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी देन टोटल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो ज़ीरो से ये बढ़ती जा रही इंक्रीज़ हो रही है ट्वेंटी थर्टी फाइव फोर्टी फिफ्टी इंक्रीज हो गई यहाँ पर फिफ्टी से फिफ्टी ये मतलब कॉन्स्टेंट है एगजे दैन फिफ्टी से क्या होने लग गई है डिक्रीज होने लग गई जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई डिक्रीज होने लग जाती है टोटल यूटिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है तो टोटल यूटिलिटी टी यू इक्वल यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन मतलब जितने भी नंबर से यहाँ सेवन है तो सेवन आ जाएंगे टेन है तो टेन हो जाएंगे जितने भी नंबर से उनको सबको हमें प्लस करना होता है तो टी यू क्या होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट ऑफ गिवन कॉमोडिटी मतलब हमें ये निकालना है तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला किया यू वन अभी यू वन यू टू ये होता क्या है यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड यूनिट ये देखो ये यूटिलिटी दे रखी है देन एन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड नंबर एन होता है नंबर के हमने कितने कंज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी इस प्रकार जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते हैं तो टोटल यूटिलिटी निकल जाती है ये हो टोटल यूटिलिटी कंप्लीट अब हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को के रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे किसके थ्रू एक कर्व के थ्रू इसमें दो एक्सेस है एक्स और वाई एक्स पर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी और वाई पर है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट ऑफ कॉमोडिटी वन से नाइन तक है और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो से फिफ्टी तक है पॉजिटिव और नेगेटिव में भी है फाइव और टेन अब हम इस कर्व को समझेंगे टी यू कर्व इज राइजिंग द एम यू कर्व इज़ फॉलोइंग फॉलोइ जो टी यू कर्व है ये वाला जो टोटल यूटिलिटी कर्व है यह क्या हो रहा है राइज हो रहा है बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है वेन टी यू कर्व रीचेज इट्स हाइस्ट पॉइंट क्यू द एम यू कर्व टचेज द एक्स एक्सीस एट पॉइंट सी वेर एम यू इज़ ज़ीरो जब टोटल यूटिलिटी क्या है सबसे क्या होगी ऊपर हो जाएगी मतलब हाईएस्ट हो जाएगी रीचेज हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाती है रीच हो जाए जैसे यहाँ पर क्यू पॉइंट पर है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लग जाती है डिक्रीज होने लग जाती है जीरो पर आ जाती है जैसे सी पर आ गई मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर जीरो पर आ गई तो टोटल यूटिलिटी क्या है अगर हाईएस्ट पॉइंट पर हो गई है क्यू पर आ गई है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी उस कंडीशन में जीरो हो जाती है व्हेन टीओ कर्व वॉल स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम क्यू ऑनवर्ड्स द एमयू बिकम नेगेटिव फ्रॉम सी ऑनवर्ड्स और जब टोटल यूटिलिटी क्या होती है फोल होने लग जाती है मतलब गिरने लग जाती है क्यू से ही क्या आ रही है डाउनवर्ड आ रही है तो उस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लग जाती है नेगेटिव होने लग जाती है ये हमने टेबल के थ्रू भी देखा था और इस कर्व में भी यही बताया पहला पॉइंट क्या है जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है फॉल होती है जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट हो जाती है सबसे ज़्यादा होता है पॉइंट उस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है और जब टोटल यूटिलिटी फॉल होने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है तो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक कर्व के थ्रू रिलेशनशिप बताया गया है दोनों के बीच में